बंदे भी पिछले कुछ सालों से हेयर फॉल, हेयर थिनिंग से जूझ रहे हैं, उन्होंने ट्राई जरूर किया होगा बालायम। आखिरकार बालायम होता क्या है? क्या बालायम से हेयर फॉल, हेयर थिनिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या बालायम से हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है? बालायम किस बेसिक्स में काम करता है? अगर ये सारे क्वेश्चन आपके मन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो भाई लोग, टुडेज वीडियो इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नमस्कार भाई लोग, बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। हमारे पूर्वजों की बहुत ही अच्छी हेयर रीग्रोथ टेक्निक है। बेसिकली बालायाम को हम अल्टरनेटिव रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी, योगा टेक्निक, एक्यूप्रेशर थेरेपी प्लस नेल रबिंग थेरेपी एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। बालायाम में हमको सिर्फ और सिर्फ नेल्स को अपोजिट डायरेक्शन में रब करना होता है, अराउंड पर डे ट्वाइस अ डे हमको करना है, 5 to 10 minutes। जैसे कि बालायाम के नाम से ही पता चलता है कि बाल और व्यायाम, ये बालों की एक एक्सरसाइज ही है जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है टुवर्ड्स हमारे हेयर फॉलिकल्स और वो स्ट्रेंथ अच्छा बनता है उनमें, हेयर रूट बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और बालों की कंडीशन इम्प्रूव होने लग जाती है। बेसिकली आजकल बोला जाए तो होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी में बहुत सारी दवाइयाँ हेयर रीग्रोथ, हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल हैं, मगर सब बंदे चाहते ही हैं कि कुछ नेचुरल वे के टूवर्ड्स हम जाएं और हमारे बालों की समस्या जड़ से ख़त्म कर दें। वही नेचुरल वे बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और दूसरों को करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। कहा जाता है कि बालायाम दो थ्योरी के बेसिस में काम करता है। पहला है एडल्ट स्टेम सेल्स थ्योरी और दूसरा है रिफ्लेक्सोलॉजी थ्योरी। तो चले भाई लोग, चलते हैं इन थ्योरी के बारे में जानने में। पहला जानते हैं अपन एडल्ट स्टेम सेल्स थ्योरी। बेसिकली भाई लोग, एडल्ट स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद रहते हैं। ये सेल्स जो रहते हैं हमारे बॉडी में जो मौजूद हैं पहले से, दूसरों सेल्स से अलग होते हैं। बेसिकली ये स्टेम सेल्स का काम होता है रिपेयरिंग का, हीलिंग का। जब भी हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो कैसे डैमेज्ड सेल्स रिपेयर होते हैं, ये काम करते हैं स्टेम सेल्स। वैसे ही हमारे फॉलिकल्स में भी एडल्ट स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं जो डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स को या डैमेज्ड रूट्स को हीलिंग का काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम नेल रब करते हैं एक केमिकल सिग्नल जाता है टुवर्ड्स हमारे दोज स्टेम सेल्स के पास और वो स्टेम सेल्स हमारे हेयर फॉलिकल्स में इम्प्रूवमेंट करना शुरू करते हैं। दूसरी थ्योरी है रिफ्लेक्सोलॉजी थ्योरी। बेसिकली भाई लोग, ये सिंपल है कि जैसे जैसे हम नेल रब करते हैं तो वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है टूवर्ड्स हमारा हेयर फॉलिकल्स और हेयर फॉलिकल्स के तरफ अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर फॉलिकल्स तक, हेयर रूट्स तक जाना शुरू हो जाते हैं और जिससे डैमेज्ड फॉलिकल्स रिपेयरिंग होते हैं और उनकी कंडीशन अच्छी होने लगती है। यही दो थ्योरी है जो बहुत ही जानी जाती है अगर हम बालायाम की बात करते हैं। अब बालायाम को किसको नहीं करना चाहिए? भाई लोग, जो भी हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं उनको ट्राई करना चाहिए कि बालायाम ना करें, बेस्ट है।
प्लस भाई लोग जो भी मैडम्स हैं, जिनकी भी मैडम्स प्रेग्नेंट है, अगर 2 महीने से ज़्यादा हैं तो उनको, मैडम्स को बालायाम नहीं ही करना चाहिए। प्लस भाई लोग जो भी बंदे के नेल्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, नेल्स ब्रिटल रहते हैं, उनको ना करें तो बेस्ट है। बिकॉज और इनकी कंडीशन, नाखूनों की, अपने नेल्स की कंडीशन और वर्स्ट होती है, बिकॉज थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है वाइल नेल रबिंग। तो भाई लोग यही प्रिकॉशंस है जो हमको लेना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम इट, नेल रबिंग एक्सरसाइज रियली रियली वर्क्स अलॉट। जो भी बंदे अभी भी नेल रबिंग कर रहे हैं, पहले किया हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस श्योरली शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलें भाई लोग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।